संध्या भी रही नहीं पड़ेगी। रात को भी ना मिली मारे सु। अभी भी चाय बना के पता नहीं कठे चली गई। कठे बुलाओ से। अब बाबू एक एक मिनट मैं पी के बताता हूँ ना कि चाय कैसी है। ले चाय तो अच्छी खासी है। ला गया तारे मुंह का स्वाद चला गया बाबू। वो जो तू इतने दिनों से दवाई जो खा रही है मैं एक काम करता हूँ। मैं थारे लिए आज तारी मन पसंदीदा रसमलाई लेके आता हूँ। उसे खाएगी ना तो तारे मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। जानू थारे रसमलाई के राज ने माँ और पत्नी दोनों खुश रहे। पापा मैं क्या कह रही थी कि ये रसमलाई वाला राज के है। कौन सा राज है मारे को भी बताओ। जब भी सूरज मारे लिए रस मलाई ले आवे तो अपनी बीनड़ी के लिए ना रबड़ी मलाई जरूर ले आवे। माँ और पत्नी दोनों खुश है ना। अरे मारा राम जी आज रामायण सुनने का घना मन कर रहे हैं। मैं लेके आता हूँ ना आज मैं खुद अपने मुंह से तारे को रामायण सुनाऊंगा। अनुज समेत गए प्रभु तहवा गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जान की ही ना भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम आश्रम पहुंचे तो जानकी जी को कुटिया में ना पाकर वो साधारण मनुष्य की तरह व्याकुल हो गए। विलाप करने लगे दुखी होकर इधर उधर ढूंढने लगे। हाँ गुण खानी जान की सीता रूप सील व्रत नेम पुनीता।
लक्ष्मण समुझाए बहु भाती, पूछत चले लता तरुपाती। प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल हो चुके थे। लक्ष्मण जी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु प्रभु श्री राम पेड़ पौधों पत्तियों से माता जानकी का पता पूछते हुए नंगे पैर यहां से वहां दौड़ रहे थे। इसके अंदर का मतलब समझा छोरा? रे जब भगवान राम अपनी पत्नी का वियोग न सहन कर सके तो इंसान की क्या बात है। अर्धांगिनी, आदमी का जीवन उसकी आत्मा उसके शरीर का हिस्सा हुए है। सुख और दुख, खुशी और तकलीफ, सब कुछ मर जावे छोरा। समझ गए हो ना चौकी दरिया? कर सरोज सिर परस्यौ कृपा सिंधूर रघुवीरा, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। रेरा थर हाथ चल रहे क्यों हुआ संतोष? थारे को पता ही ना चलो अच्छा थारो दिया छोरा, थारो हाथ चल क्यों? थारे को पता न चले? की बात है हा? कुछ तो बात जरूर है। संध्या बीनिनी, संध्या बीनिनी कटे मैं पूछ रही, संध्या बीनिनी कटे जवाब देखो मारे को। ड्यूटी पे गई, जयपुर गई। जयपुर ड्यूटी पे गई है, है ना देवरानी जी? हाँ बाबू। बंद करो, बंद करो जी सब झूठ पकड़। इस घर में मारे को कोई कुछ बताएगा, बोलेगा कोई कुछ? मारा मन कह रहा है कुछ तो गलत हुआ है इस घर में, मारे से कुछ छुपाया जा रहा है। सूरज सच सच बता मारे को। बाबू आखिरी बार पूछ रही हूँ सूरज, बता संध्या भी नहीं कटे? बाबू संध्या, संध्या अब यहां इस घर में नहीं रहती। बिना माँ बाप की बच्ची
ने कभी भी इस घर को अपना ससुराल न समझा, हमेशा मैका ही समझती आई, और तूने उसे जी भी छीन लिया। तूने चेक के कर दिया सूरज के कर दिया। संध्या बीनी ने तारी जान बचाने के वास्ते अपनी जान दांव पर लगा दी, और तूने उसको ये इनाम दिया। बाबू, एक बच्ची को बचाने के लिए 76 लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाई। मुश्किल घड़ी में इंसानियत की खातिर हम सब ने क्या नहीं किया। लेकिन संध्या ने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए किया। बात जे सिर्फ मेरे जीवन की होती ना, तो मुझे कभी कोई शिकायत ना होती। लेकिन बात तारे जीवन की थी बाबू, हाँ, मैं मानता हूँ संध्या ने मेरी जान बचाई, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए उसने तारी जान को दांव पे लगाया, और ये बात मैं कभी नहीं बोल सकता बाबू। झूठ है, सब झूठ है। चल, तू तो बैठे तो सब कुछ देखियो था चोरा, जिस सब तो भाग्य में लिखा हुआ है। भाग्य में लिखे हुए को किसी को भी रोकना ना किसी के वश में ना होवे, इतना सब तो तू जाने ही है ना। फिर तो संध्या बीनी ने इसका जिम्मेदार कहीं बना सके बाबू। ये भाग्य के लेखी में ना संध्या की ड्यूटी भी शामिल थी। कहती तूने, कह दी थारे मन की बात, हो गया पूरो। अब मारी बात भी सुन, तू अपनी भाभों की कोई भी बात ना टाल लेना छोरा। मैं कह रही हूं थारे को मारे घर के लक्ष्मी ने वापस लेकर आ। मारी संध्या बीनी ने वापस लेकर आ। जा। ठीक है बाबू, अगर जे तू यही चाहे है ना, तो मैं ऐसा भी करूंगा, क्योंकि तू जानती है कि मैंने आज तक थारी कोई भी बात नहीं डाली। बाबू, मैं थारे कहने पे इस घर की बहू संध्या को तो वापस ले आऊंगा, पर अपनी पत्नी को कभी वापस नहीं ला पाऊंगा। बाबू, तो क्या चाहती है? मैं वही करूंगा जो तू चाहती है बाबू। छोरा, इतनी बड़ी नादानी करके आपने इसे टोका क्यों नहीं? सूरज अब समझदार हो गया है संतोष, उसने अपना हर फैसला समझदारी से लिया है, बिल्कुल अपनी मां की तरह। तू भी नहीं चाहती थी ना कि अपनी बहू पुलिस अफसर बने, क्योंकि थारे को भी हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि एक पुलिस अफसर की ड्यूटी हमेशा इस घर की बहू की जिम्मेदारियों के आड़े आने लगेगी, और हुआ भी वही, पुलिस अफसर की ड्यूटी निभाई बिंद्री ने, और वो भी तारी जान की कीमत पर, और सूरज बर्दाश्त ना कर पाया, और मैं भी हमेशा थारे खिलाफ जाकर बिंद्री का साथ दिया। अब मने भी अकल आ गई संतोष, कि कल तू सही थी, आज सूरज सही है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।